Assalamualaikum और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ इज़ एवरी थिंग गोइंग? यू नो हाउ मच इज़ द टेम्परेचर हेयर? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्लाह मियाँ का अपना नेचुरल एसी चल रहा है यहाँ पे कोरिया में। सो द पॉइंट इज दैट वी हैव अराइव्ड इन कोरिया, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा इंशाल्लाह सबका स्पीड टेस्ट करूँगा। टॉकिंग ऑफ दैट, सिंगापुर का स्पीड टेस्ट हुआ पड़ा है मेरे पास, मलेशिया का हुआ पड़ा है, इंडोनेशिया का हुआ पड़ा है। टाइम नहीं इतना मिल पाया कि मैं सब के बारे में वीडियो बना सकता, बट एज वी आर ऑलरेडी इन कोरिया तो क्यों ना आपके लिए हम कोरिया का स्पीड टेस्ट करें। टुडे वन इंपॉर्टेंट थिंग विल बी कि अपने पिछले जितने भी मैं स्पीड टेस्ट करता रहा था उन सब में समटाइम्स आई यूज द लोकल सिम, समटाइम आई यूज दी रोमिंग सिम। इस बार मेरे पास दोनों की दोनों सिम मौजूद हैं और मैंने दोनों की दोनों सिम्स के ऊपर स्पीड टेस्ट किया है, ताकि एक तो मैं ये एम्बिग्विटी लोगों की दूर कर दूँ कि आप शायद रोमिंग सिम यूज़ कर रहे हैं इसलिए आपका स्पीड टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा, और दूसरी एम्बिग्विटी ये दूर हो जाए कि मुझे कई और लोगों ने नीचे कमेंट्स किए और उन्होंने ये कहा कि ऑफशोर सिग्नल्स इतने अच्छे नहीं आते। बाय ऑफशोर व्हाट दे मीन इज़ कि हम जैसे शिप पे हैं, एंकर पे खड़े हैं, चाइना में मैंने एंकर पे किया, ताइवान में हम गुजर रहे थे तब किया, तुर्की में ऑब्वियसली हम जहाज़ पे थे, कोस्ट पास में थी, मैंने तब टेस्ट किया। तो पॉइंट लोगों का ये था कि जनाब आप जब ऑफशोर होते हैं, यानी कि जब आप ज़मीन से थोड़ा सा दूर होते हैं तो आपका स्पीड टेस्ट सही नहीं आता। दे आर रॉन्ग, आई मीन आई शुडंट से दिस वर्ड सो स्ट्रांगली बट दे आर रॉन्ग। इसकी वजह यह है कि जब आप ज़मीन के ऊपर होते हैं तो आपका एक टावर आपको एक ज़्यादा दूर तक कवरेज नहीं दे पा रहा होता, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रही होती है। आपके टेलीविजन के सिग्नल्स हैं, रेडियो के सिग्नल हैं, सेटेलाइट के सिग्नल हैं, वाईफाई के सिग्नल हैं, रेडियोज़ के एंटेनाज हैं, गाड़ियाँ हैं, रक्षे हैं, आपके इंजन्स कितने सारे चल रहे हैं, सब के सब इंजन्स जो हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, इंटरफेरेंस बढ़ रही होती है तो टावर इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं दे पाता। सी में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, सी के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती यार। तो आप जो ये कह रहे हैं ना कि ऑफशोर सिग्नल अच्छे नहीं आते, आपका स्पीड टेस्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक दैट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। ऑफशोर समंदर के अंदर आपको ज़्यादा बेहतर सिग्नल आते हैं। इतनी ज़्यादा लंबी जो मैंने तकरीर झाड़ी है इसके बाद मेरे ख्याल में लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स आर द स्पीड टेस्ट। सबसे पहले आई विल यूज़ द रोमिंग सिम। ये जो मेरे पास फ़ोन मौजूद है इसके अंदर रोमिंग सिम मौजूद है। हम अपना पहला जो टेस्ट करेंगे वो रोमिंग सिम के ऊपर होगा, एंड एज यूजुअल अपने टेस्ट में हम पहले इस सिम को खुद ब खुद एक नेटवर्क सेलेक्ट करने देंगे, और जब सिम अपने आप नेटवर्क सेलेक्ट कर लेगी हम इसको ऑटोमेटिकली टेस्ट करने देंगे। सेकेंड अटैम्प्ट में आई वुड लाइक टू चूज द सर्वर माई सेल्फ जस्ट एज इन द प्रीवियस टेस्ट। लेट्स गो। नेटवर्क का नाम यू कैन सी इट इज़ KT, दैट इज़ कोरिया टेलीकॉम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपके सारे फोन्स नहीं चल सकते। इफ़ यू गो टू कोरिया, ताइवान, जापान, US, इन सब की फ्रीक्वेंसीज थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है। एनीवे आईफोन हर जगह चल जाता है, सो नो इशू। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट। All right, so first test is completely automatic and the server that is CX Locks Info, Bangkok. Kyunki sim AIS ki hai, AIS ki sim is from the Thailand, har jagah chal jati hai. To isne automatically Bangkok ka server hi select kiya hai. Have you seen the ping? 126 milliseconds. Download speed is 6.07 and upload speed will be 8.63. I think it's not bad, but at the same time it's not extraordinarily good as you see on the internet and everywhere. All right, let us select it manually. kdatacenter.com, Seoul. And on the roaming sim the ping has gone to 243 milliseconds, almost twice. But surprisingly download speed better ho gayi hai. 8.25 Mbps is the download speed and around 6.08 Mbps is the upload speed. Okay, let's do it automatically once more. Or surprisingly is baar isne China Unicom ko select kiya hai, Shanghai ko automatic pe. Why exactly? No idea. And with the China Unicom the ping is 406 milliseconds and upload speed is 1.42 megabytes per second. So you see, it's almost the same everywhere. Okay, I think we have had enough with the roaming sim. काफ़ी टेस्ट हमने कर लिए हैं. Now it's time to switch over to the Korean sim. और Korean sim है मेरे इस iPhone में. So let's switch over. And by the way, मैं आपको बताता चलूँ कि जो नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं Korean sim के लिए, that is SK Telecom. KT is different, जो कि हमने roaming sim पे यूज़ किया था, that was Korea Telecom. SK Telecom is different. अलर्ट, ये कोविड के अलर्ट्स हैं,
हर जगह पे फोन के ऊपर आते रहते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है रिगार्डिंग कोविड एंड ऑल दैट स्टफ। एनीवे द पिंग वाज 90 मिलीसेकंड्स, डाउनलोड स्पीड वाज 20.7 एमबीपीएस, सो स्पीड हैज इंप्रूव्ड। खैर नेटवर्क भी डिफरेंट है, एंड समहाउ ऑन ऑटो इसने सेलेक्ट किया था एशिया यूनिवर्सिटी ताइवान, ताइचुंग को क्यों सेलेक्ट किया आई डोंट नो, बट ऑटो पे इसने उसी को सेलेक्ट किया। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट अपलोड स्पीड इज 0.01, दिस इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, क्योंकि मेरी अपलोडिंग तो ठीक हो रही है इस सिम के ऊपर। लेट्स ट्राई अगेन। बाय द वे इट्स ऑल क्लाउडी, कल पूरा दिन बारिश होती रही है, आज भी टेम्परेचर 26-27 है। हम लोगों को तो नॉर्मल मौसम लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अल्लाह मियां ने खुद एसी चलाया हुआ है, लेकिन जो कोरियंस बेचारे जहाज पे आ रहे थे उनको पसीने आ रहे थे। उनका ख्याल है कि गर्मियों में 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज वेरी हॉट, आई डोंट थिंक सो। आई मीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ गुड टेम्परेचर यार, हम लोग अपने एसीज पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड लगाते हैं घर पे। टेलीकॉम ऑपरेटर इज चुंगहुआ टेलीकॉम, सेकंड स्पीड टेस्ट तो बहुत बुरा है, 102 मिलीसेकंड्स इज द पिंग, 0.97 इज द डाउनलोड एंड 0.02 एमबीपीएस इज द अपलोड, वेरी बैड। और आज आसमान पूरा ग्रे हुआ है ना, तो समंदर भी ग्रे ग्रे सा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि सी जो है वो आसमान को बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जब आसमान ब्लू होता है तो सी भी पूरा ब्लू नज़र आ रहा होता है। सो यू सी वी हैव ट्राइड टेस्टिंग द इंटरनेट ऑन बोथ द सिम कार्ड्स, कोरियन सिम के ऊपर भी मैंने ट्राई किया, मैंने अपनी रोमिंग सिम के ऊपर भी ट्राई किया, एंड द रिजल्ट्स वर नॉट सो डिफरेंट। वैसे यार एक बात है, मैंने आप लोगों को इतने सारे मुल्कों के स्पीड टेस्ट दिखा दिए हैं, कितने सारे कंट्रीज़ के, तुर्की का हमने किया, हमने ताइवान का किया, हमने चाइना का किया, हमने इजिप्ट का किया, हमने यूएई का किया, हमने इंडिया का किया, वी हैव डन सो मेनी ऑफ टेस्ट्स। अब कम से कम आपको ये यकीन आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान में इंटरनेट इतना बुरा नहीं है यार, इट्स नॉट दैट बैड जितना हम सोचते हैं, इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड। एनीवे टुडे वी सॉ द स्पीड टेस्ट ऑफ कोरिया, और कोरिया उन मुल्कों में से है कि दैट हैव द हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट्स, चाहे वो 4G हो चाहे 3G हो, जो मर्जी हो। अब मैं इंशाल्लाह आपको जापान का, सिंगापुर का, मलेशिया का, इंडोनेशिया का, जो जो मुल्क रह गए हैं ना, इंशाल्लाह उनका स्पीड टेस्ट मैंने दिखाना है आपको। ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, नहीं भी बनी होगी तो कल शाम को हम जापान के पास से फिर गुजर रहे हैं। आई होप यार बादल ना हो, बादल होते हैं तो छोटे छोटे आइलैंड भी नज़र नहीं आते, आसमान ग्रे हुआ होता है, समंदर भी ग्रे हुआ होता है, सीन का मज़ा नहीं आता कुछ। आई होप इट्स नॉट दैट क्लाउडी, क्लाउडी नहीं होगा ना तो आपको स्पीड टेस्ट दिखाने का ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, विद टन्स ऑफ लव टू माई डिजिटल फैमिली एंड टू बी डिजिटल फैमिली, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज ऑनली शॉर्ट्स, आई एम ज़ाहिद, अल्लाह हाफिज़। Is that camera work?